हाय माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास 9th एंड 10th। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, और असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में हम लोगों ने भी डिवाइड किया था, जिसमें पहला पार्ट था सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट था प्रेडिकेट। क्लियर? और हम लोग देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके कितने भाग हैं और उनका क्या स्थान है। तो बेटा, आप हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट की पार्ट। बेटा, सब्जेक्ट के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाक्य में वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हम लोग इतना ये भी पढ़े हैं कि सब्जेक्ट कोई एक शब्द भी होता है या दो शब्द तीन शब्द भी हो जाते हैं। तो एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द जो बनते हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा और उनको क्या स्थान दिया जाएगा, इसके अंतर्गत हम सब्जेक्ट को पार्ट को देखेंगे। तो बेटा, इसमें सबसे पहला पार्ट होगा डिटरमिनर। ये पहला है। दूसरा होगा एडजेक्टिव। तीसरा होगा हेडवर्ड और चौथा होगा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक ना, ये तीन पार्ट होंगे आपके और चार पार्ट होंगे, और चारों पार्टों का अध्ययन हम अलग अलग करते जाएंगे और देखते जाएंगे। ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट था बेटा उसमें एक डिटरमिनर है, एक डिस्क्रिप्टिव है, एक हेडवर्ड है और एक एडजेक्टिव फ्रेज है। आप अपनी किताब में देखेंगे तो पाएंगे कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव को क्वालिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर का मतलब ये होता है कि जो नाउन के बारे में कुछ वर्णन करें, नाउन को क्वालिफाई करें, वही क्वालिफाई कराते हैं। तो ये नाउन को, नाउन का वर्णन करते हैं, इसलिए क्वालिफायर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं पहला डिटरमिनर्स। हेडिंग डालिएगा डिटरमिनर्स। बेटा, डिटरमिनर वे शब्द हैं जो नाउन से पूर्व, हाँ लिख लीजिए, जो नाउन से पूर्व हेडवर्ड, नाउन से पूर्व अपना स्थान बनाते हुए, जो नाउन से पूर्व अपना स्थान बनाते हुए नाउन के अर्थ को सीमित करते हैं। क्या करते बेटा? सीमित करते हैं, अर्थात जो नाउन का फैलाव रहता है उस फैलाव को एक सीमा के अंतर्गत बांध देते हैं।
अर्थात नाउन की संख्या संबंध संख्या संबंध संकेत मात्रा आदि का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, नाउन की संख्या कितनी है, नाउन का संबंध बताते हैं, नाउन की तरफ संकेत बताते हैं, मात्रा बताते का वर्णन करते हैं, और वही वर्णन करने वाले शब्द आपके डिटरमिनर कहलाते हैं। ठीक ना, तो डिटरमिनर्स देखिए लिखेगा मुख्य डिटरमिनर्स, तो देखिए मुख्य डिटरमिनर्स है क्या, जो आपके आर्टिकल है वो आपके मुख्य डिटरमिनर हैं। जैसे ए है आपका, एन है, दा है। क्लियर भैया, आपके प्रोनाउन है जो संबंध प्रकट करते हैं, जिसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो माई है आपका, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देम है, सॉरी डियर है, इट्स है। ठीक ना, और आपके एडजेक्टिव हैं जैसे दिश है, दैट है, दीज है, दोज है, सम है, मैनी है, मच है। ठीक ना, मैनी, मच, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, लिटिल। ठीक बेटा ना, कर दीजिए ETC आदि। तो ये आपके मुख्य डिटरमिनेटर रहे, ए, एन, द, माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, मेनी, मच। ठीक ना, लिटिल और एनी। ठीक ना, ये सब आपके क्या कहते हैं, मुख्य डिटरमिनर्स हैं। तो आपने निश्चित देख लिया कि डिटरमिनर वे शब्द हैं जो नाउन से पूर्व अपना स्थान बनाते हैं। उदाहरण लीजिए, इसमें से कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप ले लीजिए क्या कहते हैं ए को, ए कैट इज कमिंग टू मी, एक बिल्ली मेरी तरफ। अब बिल्ली क्लियर हो गई, कितनी बिल्ली है, एक बिल्ली है, सीमित हो गई। अगर हम इसको हटा देते, कैट इज कमिंग, कौन सी कैट है, काली वाली है, नीली वाली है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ए लग गया तो निश्चित कर दिया एक कैट, वही बिल्ली जो आ रही, निश्चितता का बोध करा दिया। अब इसी प्रकार से आप ले लीजिए माई, फादर इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा कि क्या कहते हैं, माई आया, फादर नाउन है, इससे पूर्व आया और इसके संबंध को बताया, मेरे पिता डॉक्टर, ना आपके हैं, ना आपके हैं, ना आपके हैं, तो ये आपका डिटरमिनर हुआ। अब इसमें से और को ले लीजिए, सम बॉयस वांट टू प्ले, कुछ बच्चे खेलना चाहते हैं। बेटा बॉयस कितने हैं, सम है, संख्या तो नहीं पता है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, ये है कि क्लियर हो गया कि कुछ ब्लड के चाहते हैं, तो इन वाक्यों में कैट, माई, सम, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर बेटा नंबर भी लिख लीजिए, जो संख्याएं हैं वो भी डिटरमिनर के अंतर्गत आती हैं, नोट करिएगा। आगे बढ़ें, दिए गए उदाहरण में
ए माई सम डिटरमिनर्स हैं। ओके तो बेटा ये रहे डिटरमिनर्स जो सब्जेक्ट में सबसे पहला अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ओके आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ा जाए। दूसरी हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव। लिखिएगा बेटा एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। सब्जेक्ट में लाइन चेंज करिएगा, सब्जेक्ट में एडजेक्टिव नाउन से पूर्व, प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण लीजिए, चलेगा बेटा थ्री फैट मैन आर रनिंग। ए ब्लैक क्रो इज सिटिंग, ठीक ना। हिज ओल्ड मदर वाज ए टीचर। देखिए बेटा यहाँ पर बात हो रही मेन के बारे में, लेकिन मेन को क्वालिफाई कर रहा फैट, जो मेन है वो मोटे हैं, इसलिए जब फैट क्वालिफाई कर रहा है विशेषता बतला रहा है, इसलिए मेन आपका क्या होगा एडजेक्टिव होगा। क्लियर। यहाँ पर बात क्रो की हो रही है, क्रो कैसा है बेटा ब्लैक है, इसलिए ब्लैक आपका एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर बात हो रही मदर की, लेकिन मदर है कैसी ओल्ड है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर फैट ब्लैक और ओल्ड एडजेक्टिव है, जबकि थ्री ए और हिज डिटरमिनर्स का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट में पहले डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। नोट करिएगा इन उदाहरणों में फैट ब्लैक ओल्ड एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए और ये पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष अंश हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे, चौथे पार्ट में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।